वेलकम टू डिजिटल क्लास फोर्थ। बच्चों आज हम आपको क्लास फोर्थ की मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 17 से और क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों आपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम आपको 17 से डिस्कशन करते हैं। आगे देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इनका। जगत सिंह ब्रॉट 2 kg 225 ग्राम ऑरेंजेस एंड 3 kg 355 ग्राम मैंगोस। हाउ मच फ्रूट डिड ही बाय। बाय माने खरीदना। अब जगत सिंह बॉट मीन्स जगत सिंह ने खरीदा या लाया, तो इसको भी वो कैसे समझ सकते हैं। जगत सिंह बॉट 2 kg 225 ग्राम ऑरेंज। तो पहले लिखेंगे आप ऑरेंज और फिर ऊपर लिखेंगे किलोग्राम और ग्राम। तो 2 लिख दीजिए और क्या लिखेंगे बच्चों, 225। इसके ग्राम के नीचे 225 और केजी के नीचे 2। इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे 3 kg 355 ग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम लिखेंगे और केजी के नीचे केजी लिखेंगे। और उसके आगे लिखेंगे आप मैंगोज इक्वल टू इतना। अब दोनों को आपको फिर ऐड कर लेना है। इस प्रकार से देखिए आप किलोग्राम ग्राम ऑरेंज और मैंगो ऐसे इनके सामने सामने लिख के संख्याएं जमानी है और फिर इसको आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। शिखा है 35 meter 55 centimeter ऑफ क्लोथ। शिखा के पास में 35 meter 55 centimeter कपड़ा है। सी यूज 19 meter 36 meter। उसने काम में ले लिया 19 meter और 36 centimeter क्लोथ। हाउ मच क्लोथ लेफ्ट अनयूज। तो बच्चों जब लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्ट का मतलब होगा सब्ट्रैक्ट। तो आप क्या करेंगे, वही पैटर्न है, मीटर और सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे आप, उसके नीचे 35 और 55 लिखेंगे, फिर उसमें उसके नीचे आप लिखेंगे 19 और 36। इस प्रकार से लिखकर और उसमें माइनस का चिन्ह लगा के फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 जया नीड 4.5 liter मिल्क ऑन वन डे। जया को जो आवश्यकता है 4.5 liter मिल्क की है प्रतिदिन। हाउ मच मिल्क वाज नीडेड इन ए वीक। वीक मीन्स होता है बच्चों सप्ताह, जिसमें कि 1 week में 7 days होते हैं। तो पहले आप 1 week जो 7 days लिखेंगे, तो 1 day नीड मिल्क इक्वल टू 4.5 liter। तो 7 days नीड मिल्क इक्वल टू 4.5 × 7। और जो आंसर आएगा वो आपका 7 days में कितने दूध की आवश्यकता है उसका आंसर आ जाएगा। 20 देखिए क्वेश्चन नंबर। देयर वर 5721 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। एक स्कूल में इतने बच्चे थे। 3987 वर बॉयज। उनमें से बॉयज इतने थे। हाउ मैनी वर गर्ल्स। तो देखिए बच्चों चिल्ड्रन में दोनों ही आते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज की संख्या दे रखी है, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले टोटल चिल्ड्रन लिखेंगे इस तरीके से, फिर बॉयज लिखेंगे, और जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें और उसका आंसर आप लिख सकते हैं। 21 देखिए। ऐड 576 and 784 देन सब्ट्रैक्ट 1085 यानी 1085 फ्रॉम द सम। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको प्लस करना है और उसके बाद में जो टोटल आएगा उस टोटल में से आपको ये संख्या सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 देयर वर 2579 गुआवास प्रोड्यूस इन वन गार्डन। एक गार्डन में 2579 अमरूद पैदा हुए, उत्पन्न हुए, प्रोडक्ट सॉरी
प्रोड्यूस उत्पादित हुए इन वन गार्डन एंड 4787 गुआवास प्रोड्यूस इन अनदर, एक गार्डन में इतने और दूसरे में इतने, तो फर्स्ट गार्डन प्रोड्यूस गुआवा इज इक्वल टू इतना संख्या लिख देंगे, सेकंड गार्डन प्रोड्यूस गुआवा इज इक्वल टू इतना, दोनों को आपको ऐड करना है। ऑल टुगेदर में दोनों मिला के कितने आपके गुआवा का उत्पादन हुआ। 23 देखिए, देयर वर 3875 सोल्जर्स इन वन आर्मी, एक सेना में इतने सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं सॉरी, कैंप में, एंड 4729 स्टूडेंट सोल्जर्स इन अनदर, दूसरी में एक कैंप आर्मी कैंप में इतने सोल्जर हैं, फर्स्ट आर्मी कैंप सोल्जर इक्वल टू इतना, सेकंड आर्मी कैंप सोल्जर इक्वल टू इतना, और उसमें पूछा है हाउ मेनी सोल्जर्स वर देयर ऑल टुगेदर, ऐड टूगा दोनों मिला के कितने हुए, तो आपको उसको ऐड करना है, प्लस होगा इसमें। 24 देखिए, ऑन संडे 1489 मैन 1245 वोमेन एंड 1388 चिल्ड्रन विजिटेड द साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम को भ्रमण करने के लिए इतने आदमी इतने औरत और इतने बच्चे गए थे। हाउ मैनी पीपल, अब ये तीनों मिला के पीपल कहलाते हैं, पीपल मीन्स लोग, इन ऑल विजिटेड द म्यूजियम ऑन संडे, तो तीनों को आपको पहले मैन इक्वल टू, वोमेन इक्वल टू और चिल्ड्रन इज इक्वल टू लिखकर उसको तीनों को आपको प्लस करना है। 25 देखिए, द टोटल एज ऑफ प्रताप एंड हिज फादर एज 67 ईयर, प्रताप और उसके फादर की जो एज है 67 ईयर है, इफ़ प्रताप इज 19 ईयर्स ओल्ड फाइंड द एज ऑफ हिज फादर, तो फादर की एज निकल जाएगी, दोनों की एज दे रखी है 67 ईयर, अब उसमें से आप किसकी निकाल देंगे, प्रताप की 19 ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से माइनस 19, तो आपको ये एज आ जाएगी इसमें फादर की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से 25 तक आपको होमवर्क में विद लैंग्वेज आपको सॉल्व करना है, ध्यान से समझ के कार्य करें। हैव ए नाइस डे बच्चों।